नमस्कार, मैं उम्मीद राष्ट्रोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह आमने सामने में। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसकी शायद आपने कल्पना ना की होगी ना करेंगे, क्योंकि जल की जो जिंदगी होती है यानी पूरा जो जीवन होता है, जीवन की जो यात्रा होती है, जीवन का जो सफर होता है, उसमें अगर पानी की अगर हम बात करते हैं तो मुकेश जी का गाना याद आता है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने कैप्टन होने के बाद भी शिप पर राज तो किया है लेकिन लोगों के दिलों में भी आज राज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो धर्म है, उनका जो मर्म है, वो है संगीत। कैप्टन प्रमोद चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और साथ ही साथ जीवन में एक जो बहुत ज्यादा रोल निभाने वाला कैरेक्टर होता है अपने जीवन में, आपके जीवन में, वो पत्नी का होता है, जिसको हम कह सकते हैं अर्धांगिनी। तो प्रमोद जी की अर्धांगिनी है निर्मा जी। निर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक नेवी का जो मर्चेंट होता है, नेवी का जो शिप होता है, उसकी जिंदगी अलग होती है और संगीत की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक इस चुनौती को आपने कैसे स्वीकार किया? बचपन से मेरी माँ बताती है कि ना, मैं जब रोता था झूले में तो उस समय मर्ची का रेडियो हुआ करता था। तो वो ना, क्योंकि उस समय तो ज्यादा बाइयों का प्रचलन नहीं था, मैं सारा काम करती थी तो बहुत रोता था ना, तो वो मर्ची का रेडियो मेरे कान के बगल में रहती थी और मैं जैसे ही कोई गाना सुनता था चुप हो जाता था। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वहां से ना माँ को ऐसा लगा कि कहीं इसके आत्मा में संगीत का बहुत बहुत जगह है। फिर शाम को ना, सुबह शाम हम लोग घर में आरती किया करते थे तो माँ के साथ हाथ जोड़ के आरती का था। सफर वहां से शुरू हुआ। स्कूल में बहुत प्राइज जीते, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया और गाता रहा। लेकिन 12वीं के बाद पिताजी ने बोला कि बेटा, फिल्म इंडस्ट्री का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे ही एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो बहुत ही सख्त डिसिप्लिन और बहुत ही उसूल सिद्धांत वाले। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़े जाओ तो एक पिता का दायित्व जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम जो करना चाहो करो। तो वहां से मर्चेंट में एंट्री हुई, लेकिन दिल हमेशा गाता था और दिल हमेशा ना वो उसको संगीत चाहिए था। वो जो सुकून वाली बात है आशुतोष जी, मतलब कहीं पैसे की वजह से नहीं, लेकिन हमेशा लगता था कि ना जितना गाना सुनूं, जितना गाना गाऊं, एक अलग ही आनंद है जो मेरे ख्याल से, यानी खाना से ज्यादा पसंद आपको गाना है। मुझे दो दिन कोई भूखा रख ले, लेकिन मुझे अगर गाना सुना है तो मैं भूखा भी रह सकता हूँ। ये अलग ट्रिप है, अलग थोड़ी बातचीत है। जाहिर तौर पर अगर हम संगीत की बात करें तो कैप्टन साहब, हम चाहेंगे कि वाकई जिस गीत को, जिस भजन को या जिस संगीत से अपने होश संभाला, जो आपकी एक आत्मा को शांति देती थी, हम चाहेंगे कि दो चार लाइन पहले गुनगुना दीजिए, फिर हम सफर जारी रखेंगे आगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आप समंदर में भी प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, जैसा कि हम अब अभी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इनकी पत्नी निर्मा जी से। और जाहिर तौर पर एक कलाकार के जीवन में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार होता है, वो पत्नी का होता है। जाहिर तौर पर उनका जो योगदान है एक कलाकार को नई ऊंचाइयां देता है। निर्मा जी, आपके जीवन में जब कैप्टन साहब आए तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला रिएक्शन तो ये था कि अब ये 6 महीना शिप पे रहेंगे और फिर उसके बाद 6 महीना जमीन पे रहेंगे। तो बस यही निर्मा के साइड में धो डालेगी ना निर्मा, वैसे धमकी दी कि कैप्टन साहब ये चलेगा नहीं, जहाज पे ज्यादा दिन नहीं रह सकते, शादी की है तो निभाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ ढूंढो कि कम दिन के लिए जाओ और फिर वापस आ जाओ। तो वो निर्मा वशिंग बॉर्डर वाला जो हाल है ना, वैसे ही वो मैं धो डालूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि सही है, मर्चेंट नेवी मतलब बढ़िया है,
लेकिन एक फैमिली लाइफ तो होना चाहिए ना, पति पत्नी साथ में ही रहे तो फैमिली लाइफ होती है ना। डाकू की जिंदगी पर भी बहुत सारी फिल्म में डाकू का आपको फैमिली ड्रामा हमने कभी देखा नहीं, तो एक हाँ वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। प्रमोद जी जब इस तरह की बातें करती है पत्नी जी, तो डर कितना लगता है आपको, बिल्कुल क्योंकि मुझे शुरू में, दुनिया आपसे डरती है। हाँ शुरू में मुझे लगता था कि ये निर्मा निर्मा है निर्मा है, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि ये वही निर्मा है जो घोड़ डालने वाली निर्मा है जैसे एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हैं। लेकिन हाँ एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ संगीत में और जहाँ भी पहुंचा हूँ इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि माँ बाप ने तो एक एक जगह पर लाके छोड़ दिया था, उसके बाद ये सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी, सबसे बड़ी फ्रेंड है, गुरु भी आप कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि ये सबसे पहले कहीं भी शो में कोई भी प्लेबैक फिल्म में कहीं भी मैं एल्बम में गाने से पहले इनको सुनाता हूँ। बिल्कुल जब जब निर्मा बात करती है तब ये बंदा आगे बढ़ता है कि ठीक है, और उसके अलावा भी तन मन से लगी हुई है कि नहीं एक मुकाम हासिल कर लिया कैप्टन बन गया, अब एक प्लेबैक में एक मुकाम हासिल करना है, इसलिए मैं शोज पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि भगवान ने जितना दिया हुआ है मैं सोचता हूँ उसमें तृप्त हूँ, लेकिन जो आत्मा को तृप्ति चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं फिर से आपसे मिलूँ तो आप कह सकूँ कि हाँ ये कैप्टन प्रमोद ने गाना गाया। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर हर पति की फरमाइश होती है कि पत्नी भी गाए, लेकिन पत्नी चाहती है कि पति गाए। निर्मा जी के पास जाएंगे, निर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्मा जी पर जब पहला गाना आया था प्रमोद जी की तरफ से तो कितना प्रभाव पड़ा था। निर्मा जी आप बताइए कि जब पहली बार गीत सुना था तब कैसा लगा था आपको, जी बहुत अच्छा लगा था। कौन सा गाना था वो, कुछ याद है तो बताइए, गुनगुना सकती तो गुनगुनाइए, जी नहीं तो मैं आप गुनगुना उनसे नहीं सुनवाइए, उनसे सुनवाइए हमें। सकती जी वो राजेश खन्ना का एक गाना था ना चलिए प्रमोद जी आपको याद आ रहा है तो। हाँ मैंने हाँ कहा था जानती महबूबा हो मेरी कब वाह ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह तो ये गाना इनको पहले सुनाया था तो इनको पसंद आया। अच्छा वो पास कर दिया वो। हाँ नहीं एक्चुअली स्कूल डेज में भी आशुतोष जी मुझे ना मैं ना गेम्स कम खेलता था, जो गेम्स वाले पीरियड में सारी लड़कियां मेरे स्कूल के फ्रेंड अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको याद आ जाएगा, सारी लड़कियां मुझे ना एक गोल चक्कर बना के उसमें बिठा के और इतने गाने वो गवाती रहती थी। मैं स्कूल कैप्टन था, स्कूल सेक्रेटरी था, और आप मानेंगे नहीं सबसे ज्यादा वोट मुझे लड़कियों के मिलते थे, अच्छा बहुत अच्छा। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत तकलीफें भी होती थी। अब तो लड़कियां शायद आप तो पति के सामने नहीं बोल पाएंगे हाँ ना। अभी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रमोद जी आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट भी किए हैं, अभी अलका याग्निक जी के साथ आपका एक एल्बम आ रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है वो प्रोजेक्ट। अनुराधा पौडवाल जी के साथ एक जी हाँ अनुराधा पौडवाल पौडवाल जी के साथ जी वो एक फिल्म के लिए मैंने गाया था, उस फिल्म का नाम है शर्द और वो अंडर प्रोडक्शन है, और वो फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, जैसे ही रिलीज होगी तो क्योंकि सब कॉपीराइट से बंधे होते हैं तो वो मैं अभी बता नहीं सकता, तो उनके साथ गाया। फिर मैंने 3 और हिंदी फिल्मों में गाया, एक एक फिल्म है क्या जमाना वो भी अंडर प्रोडक्शन है, और उसमें मेरा सोलो सॉन्ग है जिसमें उदित जी ने और कुमार शानू जी ने गाया है, वाह। और उदित जी ने मेरी आवाज़ भी सुनी। मैं पहला जियानी से भी मिला था, फैज अनवर साहब से मिला था, इन लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। एक रिसेंट इवेंट हुआ था 23 तारीख को तो उसमें अमित शर्मा जी मिले थे गदर वाले, तो उन्होंने भी मेरा गाना सुना उनको बहुत अच्छा लगा। मेरा एक लेटेस्ट एल्बम रिलीज हुआ है कोल्हापुर की तीखी मिर्ची, अच्छा हाँ वाह तो उसमें 3 गाने हैं बेसिकली ऑडियो वीडियो, एक गाना छाएगा उजियारा वो हमने देशभक्ति को बनाया था, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पर है कैप्टन प्रमोद चौधरी, अगर आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल है जिसमें 20 वीडियो है, वो गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दूसरा गाना एक वैलेंटाइन डे पर रिलीज किया था जिंदगी भर चाहा था तुझे हाँ मैंने, वो भी रिलीज हो चुका है। और एक तीसरा गाना आ रहा है जो हम होली को टारगेट कर रहे हैं, वेरी गुड। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूँ जो कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया है, उसमें लड़की मराठी है और लड़का यूपी का है, अच्छा तो दोनों की कैसी नोकझोंक होती है, और जैसे कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है तो एग्जैक्टली लड़की मराठी में भी थोड़ा थोड़ा बोलती है और लड़का यूपी वाले टोन में और थोड़ा भोजपुरी टोन में बोलता है, लेकिन दोनों क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते हैं तो
तो दोनों कनेक्ट होते हैं और उसमें कैसी नोक झोंक है, कैसी सीखी सब बातें हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग देख सकते हैं। बात जब होली की होगी तो चाहेंगे कि दो चार लाइन कुछ हो जाए, हो भी जाए। रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे, चुनर वाली रंग बरसे, अरे केने मारी पिचकारी तोरी अंगिया भीगी सारी, रंग रसिया रंग रसिया होली है, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। वाकई रंगों में इतनी जान होती है कि आदमी उसकी भाषा पहचान लेता है। और जाहिर तौर पर पति पत्नी का संबंध भी बहुत, अगर हम होली की बात करें तो ऐसी कौन सी होली आ रही है निर्मल जी आपको, क्योंकि जब आपने एंजॉय किया बहुत ज्यादा प्रमोद जी के साथ? जी बहुत कम होली है क्योंकि ये शिफ्टे हैं, तो इस बार भी होली में नहीं है, होली के पहले ही दिन जा रहे हैं यहाँ से तो। लेकिन हाँ कुछ होली है जो हमने साथ में बिताई है, तो वो सब यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। बहुत दिलचस्प बात अच्छी जी, जो आप इतने बड़े एडिटर हो तो आप ये बात समझो कि मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हमारे कितने लोग, जैसे सेना के जवान, हम लोग नेवी के लोग, सिक्योरिटी गार्ड से ले लीजिए उस सतह से शुरू करें, कितने लोग अपनी ड्यूटी करने के लिए तैनात रहते हैं और कितने लोग उनके दम पे होली या दिवाली या जो भी मनाते हैं। तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा है और एक बहुत बड़ी बात है, जो जैसे हम लोग भी मर्चेंटरी वाले जिसे सुन रहे होंगे, हम लोग सब चीज एक साथ कभी नहीं मना पाते, फैमिली के साथ कभी नहीं रह पाते। जैसे इस बार भी मैं होली में जा रहा हूँ, एक दिन पहले, पिछले साल भी मैं नहीं था होली में जा रहे, लेकिन दो दिन पहले होली मना लीजिए। हाँ वो एक मेरा शो है अभी 4 तारीख को न्यू बॉम्बे में मर्चेंटरी वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो उन लोगों ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया है और वहाँ जाके फिर मेरे को परफॉर्म करना है। और एक बात मैं बोलते बोलते भूल गया, एक एक हमारा एक अलग कॉम्बिनेशन है जो शायद आप अप्रिशिएट करोगे कि निर्मा बहुत अच्छी डांसर है। अच्छा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग वीडियोस देख सकते हो, मैं गाता हूँ और ये डांस करती है। अच्छा, तो एक अलग कॉम्बिनेशन है जो कि ना लोग देखना चाहते हैं। जैसे इस शो में भी 4 तारीख को जो मैं न्यू बॉम्बे कर रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी और भी कमिटमेंट थी, लेकिन उन्होंने बोल बोल के कि नहीं आप लोगों को देखना ही हमें, तो ईश्वर की कृपा है वो कॉम्बिनेशन। और जाहिर तौर पर प्रमोद जी जब आप इतनी सक्रियता दिखा रहे, तो निर्मा जी भी जिस तरह से आपने बताया, निर्मा जी आप किस तरह के गीतों पर डांस करना पसंद करती हैं, किस तरह का मूड आपको पसंद है ज्यादा? जी मुझे रोमांटिक सॉन्ग पसंद है अगर स्लो डांस में है तो, और फिर फास्ट में एकदम मस्ती भरा बहुत, जिसमें डांस कर सके, झूम सके और सब कुछ भूल के डांस कर सके। और आजकल के जो गीत है निर्मा जी, वो आप कभी सुनने की फरमाइश करती हैं? हाँ, आजकल के जो रोमांटिक सॉन्ग है वो बहुत अच्छे हैं, वो मैं जरूर उनको बोलती हूँ और ये भी एकदम अपडेट रहते हैं। अच्छा। जितने भी नए सॉन्ग हैं वो जरूर कोशिश करते हैं और वो अच्छा गाते भी हैं और कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं गाने में। कई बार जहाँ जहाँ जाता हूँ शो करने, बहुत लिमिटेड करता हूँ, तो अब वहाँ यंगस्टर भी हैं, मेरे उम्र के लोग भी हैं और थोड़े से बूढ़े भी हैं, तो उन लोगों की फरमाइश होती है पुराने गाइए और यंगस्टर बोलते कि नहीं सर नए गाइए, तो ना वो एक एज अ कलाकार ना, जैसे आप लोग अपडेटेड रहते हो हर न्यूज से, अभी क्या और इसके बाद क्या और अभी तक क्या हो रहा है, वैसे ही हम लोगों को भी ये अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है कि कोई शो करे तो सबको कनेक्ट कर सकें, तभी मजा है, नहीं तो जैसे कहते हैं अपडेट नहीं रहोगे तो आउट ऑफ डेट हो जाओ। जाहिर तौर पर संगीत का दौर बदला है, जब प्रमोद जी ने होश संभाला होगा तब का दौर और था, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि नया जो दौर आया है संगीत का, उसमें वो कितना अपने आप को फिट करते हैं। जाहिर तौर पर जब वक्त के साथ इंसान चलता है तो उसकी तरक्की का जो रास्ता है वो खुल जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हो सकती ना तो किसी के नहीं हो सकती।
बेटे बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आमने सामने में बात कर रहे हैं कैप्टन प्रमोद चौधरी से और उनकी पत्नी निर्मा से, जिन्होंने संगीत को एक नई भाषा के तौर पर अपनाया है। प्रमोद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे कि पुराने दौर का जो गीत संगीत था और आज का जो गीत संगीत का दौर है, उसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव आया है। जैसे मुझे जितना याद आ रहा है कि पहले गाने लोग छह छह महीना लिखते थे और उस पर सोचते थे, उसके शब्दों में इतनी ताकत होती थी, इतना वजन होता था कि गाने में भी लोगों को मजा आता था और संगीत भी मतलब आज के दौर में मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं बनता है, लेकिन उस समय इतना मंथन, इतना सोच विचार, इतना सिचुएशन के हिसाब से लोग बनाते थे कि इतनी मेलोडी थी कि आज भी मतलब मेरे को बहुत हैरत होती है कि मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आप नए गाने गाइए। जब मैं इनिशियली शोध करता था तो मुझे लगा कि ये जितने यंगस्टर हैं ये सारे नए गाने ही पसंद करेंगे। मेरा बेटा 11 साल का है, वो बोलता है नहीं पापा आप मुझे पुराने सुनाइए, किशोर कुमार। अच्छा। और मैं अभी मुंद्रा फोर्ट में काम करता हूँ, मैं पायलट हूँ वहाँ, शिप का भी एक पायलट होता है, तो ये मची नेवी का एक प्रोफाइल है। मुंद्रा फोर्ट वाले मुझे सुन रहे होंगे तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वहाँ का हर एक इंसान ये जानता है कि ये कैप्टन साहब गाना गाते हैं, तो जहाँ उनको मौका मिलता है जरूर मुझे पकड़ के गवाते जरूर हैं और उनका बहुत ही मॉरल सपोर्ट और बहुत ही हिम्मत दिलाते हैं। तो मैं जो बता रहा था तो वहाँ मेरे गाने सब सुनते हैं। तो मैं एक दिन एक ड्राइवर से मिला, वो गाड़ी चला रहा था हमारी पायलट व्हीकल, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है यार ये गाना तो तुम सुनोगे नहीं, मैं कुछ पुराने गाने भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तुम नए वाले पे शिफ्ट कर लो, चेंज कर लो। तो उसने कहा कि नहीं सर मुझे यही गाना अच्छा लगता है। अच्छा। तो मुझे ये जान के बहुत हैरत होती है कि आज की जनरेशन भी पुराने गाने पसंद करती है और बहुत अच्छी बात है, और आज भी बहुत अच्छे गाने भी बनते हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लगता है कि एक रेस भी हो गई है, कुछ लोग थोक भाव में बनाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा उधर से लिया और थोड़ा इधर से लिया, थोड़ा सा वो थोड़ी कमी आई है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आज भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे लगता है कि बहुत सोच सोच के इसलिए इतना वो जहन में बैठा हुआ है कि वो बहुत सुकून देता है। आजकल तो लगता है सब कुछ की रेडीमेड जैसा है। आजकल के जो गीत है उसमें सबसे ज्यादा मतलब सहजता से कौन सा गीत आप गाना चाहते हैं, गा सकते हैं? मैं वैसे तो बहुत सारा गा सकता हूँ। एक मेरे दिल के बहुत करीब है खामोशियां फिल्म का गाना, वो मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताता हूँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। क्या बात है, वाह। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक राज है, सीने में दफन है कहीं, खामोशियां एक बात है, मैं तुमसे कहूंगा कभी, बांट लूंगा मैं साथ में तेरे, मिलने तो आओ जरा, तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लुटती हुई खामोशियां। बहुत खूब, वाकई कुछ गीत आज भी ऐसे हैं जो दिल को छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख में निर्मा जी, ऐसा कौन सा गीत आपसे सुनती है जो आज का लेटेस्ट हो? निर्मा जी सारे लेटेस्ट गाना सुनना पसंद करती हूँ, खासकर के रोमांटिक गाने। हाँ जी, मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ जब फ्री रहती हूँ, और फिर सोचती हूँ कि इनकी आवाज पे, इन पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, ये कौन सा अच्छा गा सकते हैं, या इन्हें कौन सा गाना और गाना चाहिए जिनसे इनके गाने में और निखार आए, वो मैं हमेशा नोट करती हूँ, फिर इन्हें भेजती हूँ,
फिर ये उसे रियाज करते हैं, उसका ट्रैक मंगवाते हैं, फिर गाते हैं, फिर मुझे सुनाते हैं। तो हाँ उनकी पत्नी इसका कुछ सोचती है जी, मैं जी नहीं, मैं भी पूरा दिन सोचती रहती हूँ कि ये और कैसा गा सकते हैं और कैसे और अच्छा गा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन लाइफ हर रोज कुछ ना कुछ हमें सीखते ही रहना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं और इन्हें क्या बताऊँ, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि इन्हें कौन सा गाना और अच्छे से अच्छा इनके ऊपर अच्छा लगेगा, ये अच्छे से गा सकते हैं। मैं सुनती हूँ, इन्हें लिख के भेजती हूँ और ये उसे जरूर गाते हैं। मुझे बहुत गर्व है और मुझे कहीं ना कहीं मैं इनको कई बार बोलता हूँ कि ना शायद ईश्वर की मर्जी है कि वो चाहता था कि इसके इसके रूह को सुकून मिले, तो इसलिए शायद तुम्हारे साथ इन्होंने मुझे बांध दिया है कि ये मेरा सफर आगे बढ़े। चलिए, जब उन्होंने इतनी तारीफ कर दी तो हम कहेंगे कि कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग आप गाएं ताकि उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। मैं अपने लेटेस्ट एल्बम का ही एक मुझे सुनाता हूँ, मेरा जो एल्बम रिलीज हुआ कोल्हापुर की टीकी में। जिंदगी भर चाहा था तुझको मैंने, आरज़ू थी तुझी को पाने की। जिंदगी भर चाहा था तुझको मैंने, आरज़ू थी तुझी को पाने की। रह गए हमसे ही तुम रुसवा क्यों, रुसवा क्यों, रुसवा क्यों। जिंदगी भर चाहा था तुमको मैंने। वाह वाह वाह। अच्छा, जब पानी पे आप होते हैं, समंदर के बीच में होते हैं, तब एक हिंदुस्तानी होने के नाते दुश्मनों के बारे में क्या सोचते हैं कप्तान साहब? हम लोग बेसिकली मर्चेंट नेवी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं, फर्स्ट लाइन जो एक्चुअल नेवी वाले हैं। मुझे मतलब अगर सच पूछिए तो एक बात हमेशा हमेशा जहन में बैठी हुई है जो शायद इतनी मैच्योरिटी के बाद समझ में आई है कि नफरत को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। वाह। तो नफरत नफरत को कभी खत्म नहीं करती। तो मेरा अपना सिद्धांत ऐसा है कि जैसे गांधी जी कहते थे कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, क्योंकि एक समय के बाद वो थक जाएगा या वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये क्या बात है। या जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, तो मैं ये नहीं कहता कि उसी की वजह से हुआ है, सब लोगों की कोशिशों से हुआ है, लेकिन मुझे ये बहुत यकीन है दिल में कि नफरत को सिर्फ प्यार ही जीत सकता है। तो मैं दुश्मनों के बारे में भी ऐसा सोचता हूँ कि शायद भटक गए हैं, शायद वो ऊपर वाला वो उनको रूही ताकत दे या वो तो बुद्धि दे कि इस तरफ ना बढ़े और सुकून और अमन से जिए, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर एक पत्नी का दिल बहुत ही अलग होता है पति के मामले में। निर्मला जी, आप बताइए कि ये जो सोच है इनकी कि प्यार से ही सब कुछ हम नफरत को मिटा सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में दुश्मनों के संदर्भ में? जी, ये सही है, प्यार से ही हम नफरत को मिटा सकते हैं। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें कुछ सबक तो जरूर मिलना चाहिए दुश्मनों को। हाँ, मतलब हम अगर एकदम ही बहुत ज्यादा ही प्यार दिखाएं तो बहुत बार पता नहीं कितना कामयाब हो सकते हैं। मतलब भले ही नहीं बहुत सख्ती से, लेकिन थोड़ा बहुत तो उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए कि अब बहुत हो गया। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की बात के लिए तो हम चाहेंगे कि एक देश के दुश्मनों के लिए भी गाना हो जाए देशभक्ति के रंग में। प्रभु जी छाएगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे
हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह, इसमें जो जज्बा है उसको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर हम खाने पीने की बात करें तो हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। निर्मा जी, किस तरह की खाने पसंद है प्रेफरेंस आपको, क्या क्या व्यंजन बनवाते हैं आप? सही जी, ये खाने के बहुत शौकीन है। ये जब आते हैं तो एक लिस्ट बना के मेरे फ्रिज पे लगा देते हैं कि अच्छा, नाश्ते में ये खाऊंगा, दोपहर में ये खाऊंगा, डिनर में ये खाऊंगा, स्वीट डिश में ये खाऊंगा, संडे टू मंडे सब फिक्स होता है। और इन्हें बाहर मतलब रेस्टोरेंट का खाना बहुत नहीं पसंद, घर में ही अलग अलग वैरायटी, नई नई चीजें इन्हें बहुत पसंद। कुछ व्यंजन खास जो बहुत ज्यादा पसंद है इनको, इसका नाम भी हो कुछ, एक्चुअली में बहुत सारी चीजें पसंद है। कढ़ी बड़ी बचका, हाँ, इन्हें मेरे हाथ का दही बड़े बहुत पसंद है। अच्छा। और मेरे हाथों से स्वीट डिश बहुत पसंद है, जैसे गाजर का हलवा बनाती है जिसके लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। जी, सब कुछ इन्हें पसंद है। और एक बेहतर सवाल रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली में बदनाम हूँ एकदम सच और सीधा बोलने के लिए, तो कभी सासू माँ वो भी बहुत अच्छी कुक है मेरी, तो वो कभी कुछ बनाती हैं तो मैं वो पूछेंगी जरूर कि ये कैसा है, तो मैं बता दूंगा कि इसमें ना आज मजा नहीं आया, अच्छा सा नमक कम है या कुछ है। तो एक बार मेरी माँ सुन रही थी, माँ ने बोला कि सासू माँ है थोड़ा ठीक से बोल रहे यार, तुम क्या बोल रहे हो, उनको दुख होगा। मैंने कहा देखो एक सीधी बात है, मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, तो वहाँ एक बार क्या हुआ, एक दामाद को कुछ खिलाया और उसको दामाद को लगा जो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी वही सबसे पहले वो खा लिया उसने। तो बाकी अगल बगल जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि ना, मैं मैथिली मैथिल ब्राह्मण हूँ, अगल बगल रिवाज है कि सब लोग बिठा के खिलाते हैं, तो किसी ने देखा कि ये दामाद जी ने सबसे पहले वही खा लिया तो उसको और दिया, तो वो बेचारे शर्म के मारे नहीं बोलते थे और पीते जाते थे, वो दाल का कुछ डिश था। तो मैं उस बात से बहुत घबराता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, जो अच्छा नहीं हो पहले बता दूं, नहीं तो सासू माँ अगले बार भी वही खिलाएगी, इससे अच्छा तो अगर कुछ सुधार हो जाए तो अच्छी बात है ना। जी वैसे, हाँ जी वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, शायद बहुत कम लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं। तो अभी हाँ। नहीं लेकिन ये भी ये बात एग्री करते हैं और हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जैसा खाना तो नहीं बना पाती, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। और ये हमेशा बहुत खुश होते हैं कि मेरी मम्मी के हाथ का खाना मिले, तो ये बहुत खुश रहते हैं कि चलो तुम्हारे मम्मी के हाथ से खाना खाने को मिलेगा। हाँ, उनका खाना कैसा लगता है? जी वो भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी सासू माँ। जी बहुएं सास को सजेशन तो नहीं दे सकती, ये तो वसूल के खिलाफ है। जी वैसे वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो भी स्वीट डिश बहुत अच्छा बनाती है। जी कभी आपके लिए कब तक आपने चाय या नाश्ता या खाना बनाया? चाय बनाया है, मेरे बहुत जिद कर रहे थे। जी अब तो इन्होंने बना दिया तो फुल मार्क्स तो देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है। ये कप्तान एक चाय बना के पिलाया, वो जहाज पे मालिक होता है और घर में बकरी। जी बीवी को तो चाय बना के पिलाना चाहिए ना, बीवी तो अपने प्यार का इजहार करती है अच्छा अच्छा खाना बना के, और आपको भी तो करना चाहिए इजहार कभी चाय बना के। अब निर्मा जी चलते चलते चाहेंगे कि वाकई आप प्रमोद जी के लिए एक लाइन तो कुछ मंगना ही जाए। अच्छा, उनका जो सफर है उसमें और ज्यादा जोश आए, ऐसा मैंने सोचा नहीं था मुझे गाना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा, अभी तो मुझे यही याद आ रहा है। तुम बिन जाऊं कहां कि दुनिया में अब तो कुछ ना, फिर चाह सनम तुमको चाह कर, तुम बिन जाऊं कहां। इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। वाकई संगीत का जो सफर होता है बहुत ही आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी जो कठिन है उस सफर पर आप ऑलरेडी निकल पड़े हैं, और कैप्टन के तौर पर पूरे देश की जो रक्षा का दायित्व है आपके ऊपर, हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आपकी जो शक्ति वो बरकरार रहे और आपका घर परिवार, खासकर निर्मा जी की जो शिकायत है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। भले ही सरकार को सोचना पड़ेगा कि पति पत्नी के बीच की जो दूरी है वो कैसे मिटाए, इस
خاص پیشکش ملتا ہے, لیکن آپ باقی کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ان 24 نیوز, اور مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.